स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है एनर्जी कंजर्व। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बॉल को ऊपर से फेंका, मेरे पास 100 जूल एनर्जी। जब बॉल नीचे आएगी तो भी आपके पास 100 जूल ही होनी चाहिए। हाँ, बीच में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है It means एनर्जी कंजर्व हुई है। इट मीन्स टोटल एनर्जी आपके पास कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए और एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी remain constant but it can change from one form to another form। ऐसे कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटिव नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं नाइदर बी क्रिएटिव, ना बनेगी ना नष्ट होगी, टोटल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। अब आप इसको एग्जांपल से कर सकते हैं। एग्जांपल करते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉल जैसे एक बॉडी का मास है m, ये ग्राउंड, यहां से यहां तक हाइट h हाइट है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हो h है। जब बॉडी टॉप पे होगी, सपोज करिए बॉडी का मास है 1 kg और हाइट है 10 मीटर, तो जब बॉडी टॉप पे होगी तो जो भी एनर्जी आप निकालेंगे, टॉप पे हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। तो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या फॉर्मूला है? एम जी एच। तो 1 × g अप्रोक्स 10 ले लीजिए, एच की वैल्यू भी 10, तो पोटेंशियल एनर्जी आई टॉप पे 100 जूल। कितनी आ गई टॉप पे? 100 जूल। अब टॉप पे जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि यहां वेलोसिटी जीरो है, टॉप पे अगर मैं बात करूं तो बॉडी को फेंकूंगा तो टॉप पे ये रेस्ट पे रहेगी, तो वेलोसिटी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी टॉप पे? हाफ इंटू एम, 10 लिया था, सॉरी 1 लिया हुआ, इंटू वी जीरो, तो जीरो आ जाएगा। तो पोटेंशियल 100, काइनेटिक जीरो। टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी है हमारे पास? पोटेंशियल है 100, काइनेटिक 0, तो टोटल कितनी आई? 100। तो यहां काइनेटिक 0 है, टोटल 100। उसके बाद जब बॉडी नीचे आएगी तो ये एनर्जी जो है मिडल पॉइंट पे देखते हैं, मिडल पॉइंट का मतलब h/2 हाइट, h/2। तो टॉप पॉइंट का आप नाम दे दीजिए, चाहे पॉइंट ए, पॉइंट बी, ग्राउंड पे दे दीजिए पॉइंट सी। तो टॉप एट पॉइंट ए पे हमने निकाला। अब निकालेंगे एट मिडल पॉइंट सी पे हमने, सॉरी मिडल पॉइंट आपने लिया बी, तो बी पे आप करो पोटेंशियल एनर्जी सेम एम जी एच होता है। अब हाइट होगी h/2,
एम वन जी टेन एच टेन था तो टेन बाई टू सॉल्व करो कितना हुआ 50 जूल पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी के लिए यहां आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपको मैं बता दूं अगर पोटेंशियल की हाइट कैलकुलेट करनी है तो ग्राउंड से होगी, ये एच पॉइंट होगा। बॉडी ऊपर से चल के आई है तो जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी वो भी h by 2 हो, यानी डिस्टेंस ऊपर से कैलकुलेट करना है, हाइट नीचे से करना है। तो आपको v चाहिए, वेलोसिटी, किस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है सबसे पहले, तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी। कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2ax, v कैलकुलेट करना है। बॉडी जब ऊपर से नीचे आए तो रेस्ट पे थी तो आप कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 2 ए एस है एच बाई टू, तो क्या देगा वी स्क्वेयर टू ए एच बाई टू, सॉल्व कर दे तो एच बाई टू है, टू से टू हुआ ए इंटू एच। ए को आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जो ऊपर से नीचे, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए वी स्क्वेयर पहले, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आया ए इंटू एच, ए को आप जी लिख सकते हैं, जी इंटू एच हो गया वी स्क्वायर, जी है 10, एच भी आपके पास कितना था 10, तो वी स्क्वायर आएगा 100, वी आ जाएगा अंडर रूट 100 यानी 10 मीटर पर सेकंड, तो वी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ये आप पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं जो भी है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम आपके पास 1 है, वी स्क्वायर की वैल्यू दे लो डायरेक्ट 100 पुट कर दो 50, काइनेटिक एनर्जी आया 50, टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 50 प्लस 50 100 जूल हो गया। तो यहां भी देखिए पोटेंशियल अगर हम बात करें तो 50 आ रही है, काइनेटिक 50, टोटल 100। अब करते हैं एट पॉइंट सी, सी पे बॉडी नीचे ग्राउंड तक आ गई, ग्राउंड पे हिट करने से पहले वेलोसिटी वी होगी, तो ग्राउंड पे जाके हाइट जीरो हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, हाइट होगी जीरो क्योंकि यहां जाएगी ग्राउंड पे तो हाइट जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, हाइट जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू फिर से निकालिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए, यू जब ऊपर से आई थी यू जीरो था, यू जीरो तो वी स्क्वायर माइनस वी हो, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है, आपको पता है डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस ये ट्रेवल की है एच यानी 10, तो आपके पास v स्क्वायर आएगा 100 इनटू v स्क्वायर 2 इनटू 10 इनटू 10 200, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है 1, v स्क्वायर की वैल्यू 200, कितना आया काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, पोटेंशियल जीरो था, टोटल 0 प्लस 100 100 जूल, यानी ग्राउंड पे पोटेंशियल 0 आया, काइनेटिक आया 100। अब देखिए ऊपर टोटल 100 है, पोटेंशियल 100 था लेकिन काइनेटिक 0 था, नीचे पोटेंशियल 0 होगा काइनेटिक 100, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, बट टोटल रिमेन कांस्टेंट, टोटल यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, यहां भी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के एग्जांपल से आपने इस बात को प्रूव कर दिया कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो हम लेते हैं एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का आप एग्जांपल लोगे, सिंपल पेंडुलम में
सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम होता है ये एक होल है, थ्रेड से एक बोब को सस्पेंड किया, ये इसके दो पॉइंट, बोब इस तरह से ऑसिलेट करती है, यानी अगर यहां एक बोल को बांध दूं तो ऐसे जाएगा इस तरह से, फिर वापस आएगी फिर इस तरह से। तो ये आपकी जो पोजीशन है सेंट्रल पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, आप इसको लिख दीजिए मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब शुरू में बॉल लेफ्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, जैसे ये ऑसिलेट होकर जाएगी तो ये हाइट एच पे जाएगी, तो हाइट पे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, उसके बाद यहां जाके फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, तो यहां पोटेंशियल मैक्सिमम है काइनेटिक मिनिमम। अब जब वापिस आएगी तो धीरे धीरे हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज करती जाएगी, काइनेटिक क्या करेगी इंक्रीज, तो यहां आके काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल मिनिमम, इट मींस सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में क्या हो जाएगी कन्वर्ट, हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, फिर यहां आ जाएगी तो यहां भी पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक मिनिमम। अगर मिडल पॉइंट की बात करें तो इसमें हाफ पोटेंशियल होगी हाफ काइनेटिक, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी, इसमें भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपके पास बोब, ठीक है जी। तो इस एग्जांपल से आप ये बात प्रूव कर सकते हो कि टोटल एनर्जी आपके पास हमेशा रहती है कॉन्स्टेंट।